दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप FIR जो पुलिस की वेबसाइट पे ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आप जिस भी स्टेट के हैं उस पुलिस का लॉगिन पोर्टल आपने ओपन कर लेना है। तो गूगल पे सर्च करेंगे तो उस पुलिस की वेबसाइट मिल जाएगी, उस स्टेट की पुलिस की। तो वहाँ पे जाने के बाद राइट कॉर्नर पे यहाँ जहाँ सिटीजन लॉगिन लिखा है यहाँ पे आपको लॉगिन होना है। लॉगिन होने से पहले आपको क्या करना है, क्रिएट सिटीजन लॉगिन, यहाँ पे क्रिएट सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करके आपको अपनी आईडी जनरेट करके यहाँ पे अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन होना है। जैसे ही क्रिएट करने के लिए आपको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे आपने अपना नाम, मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, यहाँ ईमेल आईडी, और यहाँ पे अपना एड्रेस भर देना है, एक आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा कि आप जिस नाम से भी आईडी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो बना के यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लें और ये कैप्चा भर के सबमिट कर दें। जो नंबर आपने यहाँ पे दिया है उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी मैसेज विल बी सेंड ऑन दिस मोबाइल नंबर। तो उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे आपसे ओटीपी मांगेगा, ओटीपी आप सबमिट कर दीजिए और आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट होने के बाद आपको लॉगिन पे जाके आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना है। लॉगिन होके आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपने अपनी FIR दर्ज करानी है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ कंप्लेंट वाले पे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, रजिस्टर न्यू कंप्लेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो आपने डिटेल क्रिएट अकाउंट में भरी है वही डिटेल आपकी उठा लेगा। तो आप एडिट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो वही एड्रेस रहने दीजिए जिसके नाम से आपने कंप्लेंट करनी है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको, सिटीजन का, CSC यूजर, ये सारे यूजर्स हैं, आपने सिटीजन है तो सिटीजन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है। आप अपनी कंप्लेंट डाल रहे हैं तो आप अपना डाटा डालेंगे, अगर किसी और की डाल रहे हैं तो किसी और का डाटा यहाँ पे एडिट करके डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके यहाँ पे अपना डाटा भरते जाएंगे। भरने के बाद जो भी आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्या कंप्लेंट है, किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट के खिलाफ है, पुलिस ऑफिसर के खिलाफ है, गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ कर रहे हैं आप, या जो भी आपका इनमें से क्रिमिनल है, अगेंस्ट वुमन, जो भी फॉरनर के अगेंस्ट है, जो भी आप कंप्लेंट सेलेक्ट करेंगे, हमने किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट करनी है तो हमने यहाँ प्राइवेट ये नेचर सेलेक्ट कर लिया, जो भी एप्लीकेबल होगा। वो करने के बाद यहाँ पे अपना डाटा फिल करके आपको नेक्स्ट कर देना है। पांच स्टेप होंगे तो पांचों आपने भरने हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना एड्रेस भर देना है, अपना जो कंप्लेंट रजिस्टर है, जो कंप्लेंट कर रहा है, वहां पे डाटा भरने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो उसके बाद आपने अपना आईडी प्रूफ, कोई भी इनमें से कोई भी आईडी प्रूफ आप लगा सकते हैं, वो लगा के उसका नीचे नंबर डाल देंगे और यहाँ पे आके ऐड पे जाके आप अपना डिटेल भर सकते हैं, वीजा है, आधार कार्ड है, जो भी है, आप उसको भरने के बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे। ये तीनों ऑप्शन जो कंप्लेंट करने वाला है उसका डाटा है वो यहाँ पे फील्ड कर देंगे सारा। ठीक है, तो FIR दर्ज करने के लिए ये जो भी डाटा है ये सही भरना है आपने, बिल्कुल एक्यूरेट, जो भी कंप्लेंट करने वाला उसका डाटा भरने के बाद अब अगला प्रोसेस सेकंड स्टेप आएगा, जिससे हम किसके खिलाफ है वो ये देखिए। अब हो गया सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हैं उसका डाटा फिल कर सकते हैं, फिल कर दीजिए यहाँ पे उसका सारा डाटा। फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। एक्यूज डिटेल है ना, जिस पे आपने दोष लगाया है, एक्यूज है, उसकी सारी डाटा वहाँ पे भर देना है। वहाँ भरने के बाद जो भी आपके पास प्रेजेंट में है वो डाटा डाल देना है, जो नहीं है उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो प्लेस ऑफ इंसिडेंट, कहाँ पे आपके साथ एक्सीडेंट हुआ या जो भी मारपीट हुई या कोई चीज चोरी हुई है, तो उस प्लेस का नाम लिख देंगे, जैसे सेक्टर 5,
क्षेत्रा में हुआ या बस स्टैंड, ओल्ड बस स्टैंड, जहाँ पे भी हुआ वहाँ पे लिख देंगे कि इस जगह पे ये हादसा हुआ है, और उसकी डेट अगर आपको पता है किस डेट में आपके डॉक्यूमेंट गुम हुए हैं या कोई एक्सीडेंट हुआ था तो डेट याद है तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। तो ठीक है, टाइप ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट क्या था, आपके डॉक्यूमेंट खो गए थे या आपका एक्सीडेंट हुआ था या किसी के साथ मारपीट हुई थी या आपका पर्स चोरी हुआ था, जो भी आपको कंप्लेन डालनी है वो यहाँ पे सारी डिटेल लिख देंगे। लिखने के बाद डेट टाइम लिख देंगे, अगर आपने यहाँ पे यस किया है तो ये डेट टाइम मांगेगा कि किस टाइम हुआ, किस जगह पे हुआ, ये सारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देना ब्रीफली अपने। अगर यहाँ पे नहीं दे सकते, कुछ ऐसी चीजें हैं कि नहीं दे सकते, कुछ पर्सनल मैटर है, तो आप उसको व्हाइट पेपर पे लिख करके यहाँ पे देखिए, एंटर फाइल अपलोडर, यहाँ पे एक पेज पे आप अपनी कंप्लेन लिखेंगे, उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे सबमिट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको डे टाइम नहीं पता तो इसको नो कर दें कि ये डे टाइम नहीं मांगेगा, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ एक्सीडेंट, लॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी है आपका वो लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जिस भी तरह की आप ब्रीफ में लिख दीजिए उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये थर्ड स्टेप था हमारा। उसके बाद फोर्थ स्टेप आएगा, उसके बाद सबमिट हो जाएगी रिक्वेस्ट हमारी, और उसका प्रिंट निकाल लीजिए, यहाँ नीचे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप प्रिंट भी ले सकते हैं इसका, कंप्लेंट का जो FIR आपने दर्ज करी है उसका प्रिंट लेके आप उसे रख लीजिए, तो आपकी प्रोसेस रिक्वेस्ट हो जाएगी। अभी साइट स्लो है, वैसे मैंने क्लिक कर दिया है, अब नेक्स्ट स्टेप ओपन हो रहा है, देखिए ये रहा। अगर आप डू यू नो योर पुलिस स्टेशन, आपने रिक्वेस्ट कहाँ पे डाल ली, करनाल कुर्सी पर, जहाँ पे भी आपके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है उसकी रिपोर्ट कर देंगे अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मेरी करनाल है तो मैंने करनाल में कर दिया, या जहाँ पे इंसिडेंट हुआ आप वहाँ भी कर सकते हैं, जहाँ भी कंप्लेन डालना चाहें आप FIR लिखवा सकते हैं। लिखवाने के बाद आप यहाँ पे, जैसे मैंने करनाल सेलेक्ट किया है, तो यहाँ देखिए ये सारे पुलिस स्टेशन के नाम आ गए, जो भी आपकी पुलिस स्टेशन होगी आप वह सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद उसको आप नेक्स्ट कर दीजिए। अभी ये सिलेक्ट किया है मैंने, प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट, और अगला स्टेप सबमिट का होगा, आप सबमिट कर दीजिए रिक्वेस्ट को, आपकी रिक्वेस्ट है जो सबमिट हो जाएगी, उसके बाद उसका प्रिंट ले लेना है, लास्ट में प्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो इस तरह से आप अपनी रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट है जो आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू, कोई इसके लिए फीस नहीं लगेगी, कुछ नहीं है, तो ये अभी साइट स्लो है इसलिए मैं ऑलमोस्ट मैंने सभी बता दिए स्टेप,